बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खरीत से हैं। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ठीक खुशियाँ दें। जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक तंदरुस्ती दे और सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। तो इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है जी, आज 2 तारीख हो चुकी है, बच्चों की फ़ीस देने के लिए जाना है स्कूल। तैयारी शैयारी मैंने कर ली, बच्चों की भी कर ली है, बच्चे बाहर निकल चुके हैं और मैंने अभी ताले लगाती हूँ तो फिर चलती हूँ। ताले भी उठा लिए हैं और चलती हूँ फटाफट, बच्चों की फ़ीस दे के आती हूँ। फिर धूप ज़्यादा हो जाती है तो फिर आके वापसी आके घर का काम करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बनाने लगी रोटियाँ। दोपहर के लंच का टाइम हो गया। समीर बेटे ने आ जाना है घर, क्योंकि वो 2 दिन से रात है, मम्मा जी मुझे तूरी खाने का मन है, वो करके दो। तो घर में घी देसी नहीं था तो पहले मैं बनाती थी, अब गाय का दूध होता तो घी का काफ़ी कम बनता है। आगे भैंस का था तो घी काफ़ी ज़्यादा बन जाता था, बच्चों को फिर खाने के लिए ना काफ़ी घी ख़त्म हो चुका था। तो आज बनाया है अभी तो रोटियां बनाती हूँ। समीर के आने से पहले ना स्कूल से चूरी बना के रख लेती हूँ कि बच्चे मेरे खुश हो जाए, क्योंकि उसका मूड काफ़ी ऑफ था। तो मम्मा जी ने मुझे चूरी नहीं बना के दी, मेरा दिल कर रहा था चूरी खाने को, तो छोटे भी कह रहे थे। तो अभी बनाती हूँ जो उनके लिए रोटियाँ, इन रोटियों की चूरी काफ़ी हो जाएगी। तो अभी बना लेते हैं बच्चों के लिए जी चूरी। आ गई थी स्कूल, स्कूल से आके घर के काम शाम सारे किए हैं। तो अभी मैंने क्या 11 बज चुके हैं, तो उनके आने से पहले सारा कुछ ना तैयार करके रख लूँ और काम जो रहते हैं बाद में करूँगी, पहले बच्चों के खाने का ये लंच तैयारी का कर लूँ। देखो मक्खियाँ जो ना जान नहीं छोड़ रही, गर्मी भी आ गई फिर भी ऊपर से कवर कर देते हैं, तीर उड़ियाँ काफ़ी हो जाएगी। काम कर लिया है थोड़ा सा, आज चल के भी स्कूल की तरफ गई थी तो अभी नींद आनी शुरू हो गई है। पहले बच्चों के लिए रोटियां बना लो फिर दूसरे काम करती हूँ। ये सादी रोटी बनानी बिल्कुल, बाकी फिर बाद में करती हूँ। ये रोटी बेल ली है, फिर आटा एक पाँव के नीचे आता है, ये मैं सिंक में ना इधर खड़ी होकर रोटी बना लेती हूँ। कैमरा करती हूँ बंद, बाकी काम बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रोटियां मैं पका ली हैं, हूँ असी घी को रख लिया है, चीनी का डब्बा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं बच्चे ने बना के दिनी है मंचूरी, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, जोड़ा उन्होंने मूड बनाया सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ने वैसे भी तोरी छोरी बना के देनी चाहिए, देसी घी पा के। रोटियां काफी गर्म है, वो
ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕੰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤੀ, ਘੀ ਵੀ ਗਰਮ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਪਿਘਲ ਜਾਏ ਚੀਨੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸਤਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਲੈਟ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਫਟੋਫਟ ਇਹ ਤਰਪਾਈ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਰਪਾਈ ਹਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤਰਪਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰਪਾਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੇ ਤਰਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਾਊਸ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਦੋ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿਦਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵੀਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੈਮਰਾ ਹਿਲਦਾ ਹੁਣ, ਥੱਕ ਗਏ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਲੱਸੀ ਮੈਨੇ ਲੱਸੀ ਔਰ ਬੇਸਨ ਇੱਧਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਦੇਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਲਹਿਸਨ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਨਾ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੋ ਅਭੀ ਵੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੋ ਅਭੀ ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਭੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਰਚੇ ਵੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਹਾਂ, ਉਨਕੇ ਡੰਡੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਨਕੇ ਕਾਟ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਲਤੀ।
ਮਿਲਾ ਰਮਾਨੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਅਤੇ ਬੇਸਣ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਰਮਾਨੀ ਰਹੀ। ਟਾਈਮ ਜੀ ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਕੌੜੇ ਛਕੌੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਜੀ ਕਈ ਰੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਮਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਪੱਕ ਗਈ, ਬਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ।